Hello everyone, my name is Mini and I welcome you all to my channel Daily Review. So friends, today I will be reviewing about this product which is kept on the display. This is Oxylife Face Bleach friends. और इसकी जो pricing मैं आपको सबसे पहले बता दूँ I'm sorry. This is for 80 rupees. Yeah, it's for 80 rupees and the net volume of this pack is, I think it is 20, yeah, it's 27 grams and this is a nice medium pack and it is very good for applying three times, like ये 3 महीने तक तो आपको easily आप एक एक करके इस pack को इतना use कर सकते हैं, which is good for 80 bucks, reasonable, less than 100, good product, very good product. I mean, मैं इसके बारे में जितना भी अच्छा बोलूँ मुझे लगता है कि वो कम ही होगा, क्योंकि इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है ये ब्लीच का, ये अमोनिया फ्री है, इसमें अमोनिया एडेड नहीं है, तो ये इस ब्लीच का सबसे प्लस पॉइंट है. और साथ ही साथ मैं इस ब्लीच के बारे में ये भी कहूँगी कि जैसे आप घर पे ब्लीच अप्लाई करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ठीक से एक्टिवेटर को नहीं परफेक्टली डाल पाते, थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है, तो आप उस ब्लीच को जब अप्लाई करते हैं तो आपको वो बहुत ही ख़राब सी सेंसेशन आपके फील में फेस पे आपको फील होती है. बट ये ऐसा है कि जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है इस ब्रांड ने, नो एडेड अमोनिया, सो दिस इज़ द वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर दिस ब्लीच फ्रेंड्स, कि अगर आप से गलती से थोड़ा सा भी एक्टिवेटर अगर ज़्यादा पड़ जाता है आपके पैलेट में तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपको सेंसेशन फील नहीं होगी आपके फेस पे, जो कि ये दावा दूसरे ब्रांड्स नहीं कर रहे हैं. ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ऑक्सीलाइफ है जो इस चीज़ के लिए थम्स अप फॉर इट. और इसमें जैसे कि इसने पॉइंट्स में, हाँ यहाँ पे ये देखिए, इसमें कुछ 5 पॉइंट्स क्लेम किया है इसने कि डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, डल स्किन, डेड स्किन सेल्स एंड सन टैन. सो बैंग ऑन, ये सारी चीज़ों को कम्प्लीटली फेड आउट करता है फेस से. आई मीन लाइक आई एम यूजिंग दिस, आई यूज़ ओलिविया ऑल्सो. मैंने ओलिविया ब्लीच के बारे में भी आपको रिव्यू दिया था, तो आप उसके बारे में मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं ओलिविया ब्लीच की रिव्यू. तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ऐसा ओलिविया ब्लीच जो है वो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए टारगेट करता है ज़्यादा करके, बट ये भी सेंसिटिव स्किन वाले लगा सकते हैं, ऐसी कुछ मनाही नहीं है. ये भी माइल्ड है, ये ऐसा नहीं है कि टू स्ट्रॉन्ग है. मैं ऐसे ना टू स्ट्रॉन्ग कहूँगी ना मैं ऐसे ज़्यादा माइल्ड कहूँगी, दिस इज़ ऑन अ न्यूट्रल साइड, मतलब ये, पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपके फेस पे देगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इस चीज़ के बारे में. मैं आपको इसे अंदर से खोल के बता दूँ, एक मिनट. ये देखिए कि इसमें जो है एक इस तरीके के छोटे सैशेज हैं. सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो छोटे सैशेज हैं, यहाँ पे लिखा है पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सेरम. तो ये जो है हम जब ब्लीच लगाते हैं और उसे जो हम एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है उसके बाद हम अपने फेस को क्लीन करते हैं, उसके बाद हमें ये सैशे खोल के इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है, जैसे हम नॉर्मल मॉइस्चराइज़र या कोई स्क्रीम अपने फेस पे जैसे हम अप्लाई करते हैं, वेरी जेंटली आप इसे अप्लाई कीजिए अपने फेस पे. इसके 3 सैशेज दिए हुए हैं ये 80 रुपीज़ वाले पैक में, तो बड़ा वाला अगर आप लेंगे तो मुझे लगता है ये थोड़े मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और तो आप इसे यूज़ कीजिए. इसकी जार मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये देखिए ये एक नॉर्मल साइज़ की एक छोटी जार है और इसका एक्टिवेटर भी अंदर ही है. ये इसकी एक्टिवेटर है, सो एक्टिवेटर द क्रेम एंड दिस इज अ सेरम. सो दिस सेरम इज एक्चुअली द हाइलाइटर ऑफ दिस ब्लीच, बिकॉज दिस वर्क्स. ये ब्लीच आपके फेस पे डेफिनेटली एक ग्लो देगा. आप कोई पार्टीज में अगर जाएं या कोई फंक्शन में जाएं, वेर एवर यू गो, इफ यू अप्लाई दिस ब्लीच और आप अगर जाते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आपके फेस को लेके, क्योंकि ये आपके फेस को इतना ज़्यादा इवन टोन देता है और वो नेचुरल ग्लो फेस में जितनी अच्छी हो
मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ कि जो हमारा जो नॉर्मल फेस है, जो हमारा बेयर फेस है विदाउट एनी मेकअप, उसमें अगर नेचुरल ग्लो ही हमारे फेस में बहुत ही खूबसूरत हो तो मेकअप उसके ऊपर और भी अच्छा लगता है और फेस और ज़्यादा ग्लो करता है। तो उसके लिए आप इसको डेफिनेटली, जो पैसे हैं आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। इसकी बड़ी पैक भी आप ले सकते हैं, मैंने फ़िलहाल ये लिया हुआ है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये परफेक्ट है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, दिस कैन गो फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली अ पर्टिकुलर स्किन टाइप पीपल कैन यूज़ इट। ये ऑयली कॉम्बिनेशन, ड्राई स्किन, एनी वन कैन यूज़ इट, एनी एज पीपल कैन यूज़ इट। इट्स नॉट टारगेटिंग ओनली फॉर यंग गर्ल्स और वुमेन्स और ओल्ड सीनियर सिटीजन्स और समथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। और एवरी वन कैन यूज़ इट, मैन कैन ऑल्सो गो फॉर इट, आई एम टेलिंग यू। आजकल मेन्स भी किसी फीमेल से कम नहीं है। आजकल के आप मेन्स को देखें तो वाई आईब्रोज और सब कुछ करा लेते हैं, फेशियल वेशियल। सो मैन कैन ऑल्सो गो फॉर दिस प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल रेडियंस 5 क्रीम ब्लीच, ये मैंने आपको अंदर बता दिया है, विथ एक्टिव ऑक्सीजन। तो आपको एक्चुअली में इसको लगाने से, मैं आपको डेफिनेटली कहूँगी कि आपको बहुत रिफ्रेशिंग फीलिंग आएगी। नॉर्मली हम दूसरे, जैसे ओलिविया को छोड़ के, दूसरी जैसे हम ब्लीच लगाते हैं, मैंने पार्लर में एक वक्त जॉलिन भी यूज़ अपने फेस पे किया था, तो वो तो बहुत ही हायर एंड एक्सपेंसिव है। वो आई थिंक इट इज़ 500 और अबाउट दैट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बट ऐसी जो ब्लीचेस हैं वो आपको प्रॉपर, आपको केमिकल स्मेल आपको फील होगी, आप स्मेल कर पाएंगे वो केमिकल्स को, बट इसके अंदर आपको वो केमिकल वाली स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। ये एक्चुअली में मतलब ऑक्सी लाइफ इज़ एक्चुअली लाइक प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लीच, आई एम टेलिंग यू। इसकी बेस भी अंदर से जो वो लाइटिश ब्लू कलर की है और वेरी इजी टू अप्लाई ऑन फेस। पार्लर्स में अगर आप जाएं तो वहाँ पर अवेलेबल इजीली होगी वो। ऑक्सीलिया लाइफ के बारे में आप कहेंगे तो वो आपको डेफिनेटली इजीली अवेलेबल होगी पार्लर्स में। अगर नहीं है तो आप घर पे भी इसे वेरी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ माई बैड थ्रोट, आई थिंक सो। इसके अंदर जो है, हर प्रोडक्ट के अंदर उसका एक पैम्पलेट दिया हुआ है किस किस तरीके से उसे यूज़ किया जाता है, तो आप उसे पढ़िए। हिंदी, इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेजेस आर रिटन इन इट। बहुत ही इजी तरीका है इसे फेस पे अप्लाई करने का, वेरी इजीली यू कैन अप्लाई इट एंड यू कैन। पर आप ज़रूर याद रखिए कि अगर आप इसे लेते हैं तो, अगर आप ब्लीच अप्लाई करते हैं तो आप उसके साथ जो सेरम मिले उसे फेस क्लीन करने के बाद उसे भी डेफिनेटली अपने फेस पे अप्लाई करें। अगर जो घर पे ब्लीच नहीं यूज़ करते, मेरी वीडियो देखने के बाद आप घर पे ब्लीच यूज़ करना चालू करेंगे तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और एक और मैं आपको पॉइंट मेंशन करूँगी कि ब्लीच लगाने के बाद आप तुरंत जब अपने फेस को क्लीन करेंगे, आप सोप या फेस वॉश बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा अपने फेस पे। नॉर्मल आप वाटर से ही अपना फेस पोंछ लीजिए, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, सेरम लगाइए एंड जस्ट लीव इट, जस्ट दैट्स इट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो तब आप अपने सोप या फेस वॉश, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने फेस के लिए, तब आप अपना उस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट डे ही आपको मिलेगा और वो डेफिनेटली एक एक्सीलेंट आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। तो आई होप मैंने आपको इस प्रोडक्ट रिलेटेड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दी है। या अगर आप कुछ और पॉइंट्स इस प्रोडक्ट रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दूंगी। तो ये मेरा बहुत ही न्यूली लॉन्च चैनल है, डेली रिव्यू। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे इस रिव्यू को लाइक कीजिए, प्लीज़ 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 गिव अ बिग थम्स अप, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को, दैट आई विल रियली अप्रिशिएट इट अ लॉट। थैंक्स अ लॉट मेरी ये वीडियो देखने के लिए। बाय।